ईश्वर के लिए हुक्म है कि बाबुंदू साहेब बाकी का वहां आ जाए, ऐसी औरतें न आए कि जिन और उन्हें नमाज नहीं पढ़ना होती है, शरी तौर पर उन्हें इजाजत नहीं कि वो नमाज अदा कर सके, तो उस अंजाम मरदूबा मरदूरा के अंजाम में वो मस्जिद के पास न आए, क्योंकि वो आएंगी तो इज्जत की बिना पर फरिश्ते अलहदा हो जाते हैं। अदा करवा एक तो जिंदों की जिम्मेदारी है, दूसरा ऐसा शख्स भी उस मस्जिद के पास न आए जिस वक्त वो जान गरी और नरा की हालत में हो, कोई जुर्मी शख्स भी वहां न पहुंचे, जब तक कोई जुर्मी रहे उस वक्त रहमत के फरिश्ते नहीं रहते। और किसी बर्तन के अंदर पेशाब वगैरह पड़ा हो मरीज का है किसी वजह से, वो भी वहां उस कमरे में उस हम वहां मौजूद न हो, क्योंकि जहां पेशाब अन पड़ा होता है रहमत के फरिश्ते उस वक्त भी नहीं आते, तो ये क्या करना। और अगर घर के अंदर किसी ने भुट्टा पाक रखा हुआ है शौकी या गैर शौकी, तो जिस घर के अंदर कुत्ता होता है उस घर के अंदर की रहमत के फरिश्ते इरादे उस कुत्ते को भी बाहर बना दिया जाए। और क्योंकि इब्राहिम का वास्ता होता है उन्होंने और ये चीज उनके लिए रुकावट है, और ये भी एहतियात करे इंसान अल्लाह हम सबको बचाए कि उसकी जेब में किसी किस्म की तस्वीर या उसका अपना शनाख्ती कार्ड या उसकी अपनी तस्वीर या गैर की या कोई अखबार की तस्वीर या रोज जेब में जिसके ऊपर तस्वीरें हैं ये सबको निकाल दिया जाए, और उस हुजरे के अंदर उस कमरे के अंदर जहां वो मौत हो रहा है कहीं भी तस्वीर किसी मकाम पर ना रखी जाए, ताकि खुदा के आने वाले बाकी या रहने वाले फरिश्ते आए और यकीन तबाह हो जाए। ये जिंदों की जिम्मा जरूरी है। और अब कौन इसकी एहतियात करता है, होश भी कोई नहीं होता, यानी हमें अपना भी डर पड़ जाता है कि ये तो माता है मेरा क्या बनेगा, हम ये नहीं कहते इसका क्या हो रहा है, हमें उसका फिक्र नहीं है, अब इजाज का फिर फिक्र लगा हो जैसे माता है मेरे सुहाने सुहाने का आप कहते हो ये क्या होगा वो क्या, किसी ख्याल में हो जिसकी खिलाते हैं तो मेरे आला अपने नफा की खातिर ये मेरे नफा जो इससे मुतालिक था वो अब मुनकते हो रहा है, तो इस गम के अंदर हम सारे परेशान हो जाते हैं, ये नहीं कि इसके साथ हमें क्या करना है, वो भी निराला बात है। और फिर फरमाया कि जिन लोगों के साथ इस मरने वाले को महापत होती है उनको सामने न आने दिया जाए, तो उनको देख कर उनकी मोहब्बत की कहने से फिर खुदा के साथ जरा भी न हो जाए, आई बात है, उनको भी फायदा किया जाए ताकि वो करीब ना आए, और फिर ये ऐसी बातें होंगी तो उसके लिए मुश्किल बन जाए, वो समझे कि मैं जा रहा हूँ और बाबू की ये झूठ नहीं है, अभी होगा वो होगा वो बन जाए, अब तो अंदर की मौत के साथ क्या क्या बात है, अब मैं जिंदों की आंखा बात कर रहा हूँ, अब आप जेल में रखना नोट करना लिख लेना कि आगाम शरीया है जिसका जानना हर मोमेंट के लिए अब जरूरी है, एक ये बात आप सुनेंगे। और फिर ये है कि जितना हो सके घर के वो अपराध जो सारे दिन हैं वो उसके पास आए, बेनमाज तब्दील की सबके आए, क्योंकि उन पर लानत बरसती है बेनमाज पर, उसकी लानत की वजह से ये भी लानत का मुतवजह न हो जाए। अल्लाह अब क्या करें, आप और फरमा अब क्या करें इस मसले में कि जब बेनमाज पर सत्य लानत रोज बरसती है, अगर वो मैयत के पास आ गया तो उसकी मेरे नबी ने फरमाया फरा तो जा रही हो और आप शाकिर हो और उसके बाद बैठो लोग करीब रहने दो, यानी रहमत के फरिश्ते रुक जाए के लानत आ जाए, अब किसको रोकेंगे हम, यानी कितने हम दीन से दूर हो चुके हैं, किस कलर यानी बेनमाज से पढ़कर तो बस तरीले खराय कोई कहा कि बुरी पहुंच जाए रही है बात तो तारा के दूर हो जाते हैं। अल्लाह हम सब को नमाजी बनाए और हम तुम्हारी औलादों को और हमारे मामूली चीज बहुत पंजाबी बना जी मैं सलाम बैठूंगा गरीब बना रहे हैं जो दुआ क्या वहां के अलग पे जा रही मुखी और शराब की हमें जरूरी जाती है ना मुझे भी और मेरी आवाज से बात करा दी, ये दुआ मांगी जा रही इतनी जरूरी है ना बात कि खुदा के नबी वो मांग रहे हैं जिसके लिए अपनी औलाद के लिए हमें जरूरी जाती है, और दुआ ना बता कपल दुआ दुआ को कबूल करवा कि मेरी आवाज भी नमाजी हो और मैं भी नमाजी। अब एक न एक तो बेनमाज बतील वहां पहुंच जाएगा तो फरिश्तों की रहमत भी उससे मुनूर हो जाएगी,
अरे आज इस शरीर के जितना अगर हम ऐसा करते ना तो गेहूं बाकी हो जाते हमारी अपनी जो है वफा वफा राज वफा का आज खुदा के बाकी के साथ में जो मोहब्बत है वो जीवन से करते हैं। अगर ये कह दिया जाए भाई मसला में नमाजी को जहां नहीं बैठे देंगे क्योंकि इस पर खुदा की लान बनती है लान की बिना पर हमारे पास में बैठे कि भाई ये बहुत हो रहा है कि खुदा के नाम से फिक्र ही न जाए तो आप बहुत अल्लाह के बेनमाज से बेनमाज होता है जिनके दिल में इसकी दादी मोहब्बत हो ताकि वो दुआ करे अल्लाह इसका आपका ईमान बरकत दे अल्लाह इसकी नुसरत फरमा उधर कुरान पढ़े और उधर खुदा से गिर गिरा कर रहे अल्लाह इसकी ईमान की मदद फरमा क्योंकि आपको जो कुछ आता है वो क्या हुआ
लिखे वो जुर्मी के ऊपर में शाह
इन दसों की मार की और कैफियत होती है। अगर कोई बेनमाज है ना, उसको वो सजा दी जाती है मौत के बाद जो एक काफिर को दी जाती है, काफिर की मौत में जो उसको जर और दर्द और दर्द और पता है, एक बेईमान जो शायद उनकी नमाज को छोड़ रहा है मौत के बाद उस पर दर्द आ रहा है और कब्र के अंदर भी बेनमाज पर दर्द आ रहा है। मेरे नबी आए थे नहीं समझा अंदर का चला तो रमजान का सच दिन नमाज एक छोटी को काफिर हो गया तो इस पर हमारी बात बेनमाज पर छतरी खुदा का रामा था मौत के बाद। अल्लाह हम सबको बजाए मेजबानी जैसे पहले हमें मौत आया तो बेचारे हमारे कोई नमाज करा हो जाए अल्लाह कैसे बता जाए अल्लाह कैसे बाबू बता ना हमारी औलाद बेनमाज हो ना हमारी औलाद नमाज बेनमाज मांगी। तो अब अर्थ ये है, अब आप समझिए जो तरीका, अब फरिश्ते आ जाते हैं चार फरिश्ते मौत के इज़राइल अलैहिस्सलाम के आने से पहले सारे बकर जाता हूँ ये कुरान से देखा फिर क्या बयान करें। हाँ जी जब बाद में बात कर लेते हैं, ये बात तो बड़ी लंबी है ना, तो इस बात से ताकि मैं इस बात से रहा हूँ कि हम सब पहले आए हैं ये अगर बात क्या आप नहीं सुना रहा हूँ दिन हुआ शाम की बात क्या आ रहा है ये तो हम सब पर हर एक का आ रही है। इसी बात से कभी ने कहा था कि देख पर घूम पर एक के लिए कभी रहा एक उतो ना जाओ एक कभी रहा है आज ऐसी बात में खुदा को एक मानता था शुरू कर देते। अब जब उसकी खिंचाहट होती है तो हर नाखून के अंदर ऐसे मालूम होता है इसके नीचे कि कोई दाहदार सुना जब कोई जहां तक गुजर जाता है। अब आप नाखून में सुई देखकर तजर्बा करोगे कि तकलीफ होगी। हमारे जैसे बर्दाश्त है कि मैं ये सारी हदीस की रूलियात कर रहा हूं इमाम गिदारी ने लिखा है शर्फ सुदूर के अंदर है और इमाम और और किसी को क्या पता है पैगंबर के सिवा उसके फियत को कौन जानता है। किसी भी हजार जो पैगंबर ही सुनाते हैं ना जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ सब अहादीस से है। यह है कि मैं हर एक क्रिया ने दर हमारा भी अर्ज कर रहा लेकिन समझे सारी बात है। अब यानी ऐसे चलते कि 15 कांटे इससे लेकर इस जगह तक 15 कांटे जहन्नमी किस्म के कि जो ऐसी तारे लोहे की शानदार सुई से ज्यादा तेज जब हो जाते। अब आप देखिए उस पर यहां तक, अब यहां तक कर ये इस पर इससे रूह खत्म हो जहां फिर आप है मोमिन की फिर हर एक की कैफियत ऐसी होती है जैसे कोई इतिहास कितनी खौफनाक कैफियत होती है। अल्लाह उस वक्त फरिश्ते फिर खेत में हर जोड़ पर रुक जाते हैं हर जोड़ पर रुक जाते हैं मोमिन पर मोमिन के हर जोड़ पर रुक जाते हैं कुछ इसे अब हम आ जाए देखे ना वली भी होता तो सुई जब होगा उसको भी दर्द होगा आई बात आगे को नहीं दर्द होता बदल के दबाव से कोई वली हो मौत हो खुदा हो नबी हो जिसको भी लोग पहुंच तकलीफ तो पहुंची है मौत की तकलीफ तो हर एक पर पहुंची है लेकिन मोमिन के लिए कफारा है सैयाद गुनाहों का कफारा बन जाती है और बेनमाज के लिए आराम से बुरा बन जाता है। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए आमीन। और ये देखे जी एक आदमी बीमार से हम दो मिनट में मर गया क्योंकि बयान करने में तो लंबी बात करती है ना खुदा कादिर है हमें एक मिनट गिरा दे और उसको एक शराब गिरा दे 309 साल गुजर कर दो ना क्या रावण जो भी का किधर ठहरे रबे चला जाओ मन्ना और एक
Amen.